अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेस्टी फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ रसमलाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी कि आपने इसको घर पर बनाया है, बिल्कुल बाजार जैसी, उससे भी ज़्यादा टेस्टी हम इसको घर पर बना सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा लीटर फुल फैट मिल्क इस्तेमाल किया है। रसमलाई बनाते वक्त आपको फुल फैट मिल्क का ही इस्तेमाल करना है, दूध में ज़रा भी पानी मत मिक्स कीजिएगा। और ये देखिए कुछ इस तरह से ये दूध है, तो इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है हाई फ्लेम पर। हम इसको जब तक ये गर्म नहीं हो जाता तब तक इसको ऐसे ही पकाएंगे, और फिर इसके अंदर हम लोग कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। आप जिस भी बर्तन में रसमलाई बनाएं वो यही ध्यान में रखें कि वो बर्तन थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ हो। तो दूध अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं उसमें ये 2 टेबलस्पून दूध में मैंने थोड़े से केसर के स्ट्रिंग्स ऐड कर दिए थे, और थोड़ा सा इसमें कलर भी आ चुका है, तो वही हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे। केसर तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब मैंने लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक कलर, फूड कलर, केसर येलो कलर इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पर। 1 पिंच इसका डालेंगे इसमें, इससे काफ़ी अच्छा कलर आता है। अगर आपके पास लिक्विड कलर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इतना सा मैंने इसमें कलर ऐड कर दिया है, अब इसका अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा। ये रसमलाई बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये देखिए इसको इस तरह से हम लोग मिक्स करते जाएंगे। आप चाहें तो जो केसर को मैंने दूध में भिगो दिया था, आप डायरेक्ट भी गर्मा गर्म दूध में उसको ऐड कर सकते हो। तो इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा और कलर इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे इतना ही काफ़ी हो गया। जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसा इसका कलर डार्क होता जाएगा। तब हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, और ये देखिए पकते पकते करीबन मैंने जब आधा लीटर दूध लिया था तो इसमें से थोड़ा सा दूध कम हो चुका है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो ये मेरे पास है पिस्ता, काजू और चिरौंजी, और ये बादाम है जिसको मैंने लंबान में कट कर लिया है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिएगा कि आपको कितने इसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वही हिसाब से रखिए। तो मैंने बादाम थोड़े से कम ही डाले क्योंकि हम इसके डेकोरेशन में भी थोड़े से नट्स इसके अंदर ऐड करेंगे, इसीलिए। जो चाहे आप वो ड्राई फ्रूट इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके जो रसगुल्ले होते हैं ना, वो मैंने पहले से ही बना कर रख लिए हैं, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। तो ये गोल ही थे, तो हम इसको कुछ इस तरह से प्रेस कर देंगे जिसकी वजह से थोड़े से चपटे हो जाते हैं। अगर आप बना रहे हो तो रसमलाई के लिए थोड़े से चपटे चपटे ही बनाइएगा। मैंने रसगुल्ले की रेसिपी शेयर की भी है, तो वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये देखिए हमारी ये जो रसमलाई है ये पकते पकते थोड़ी सी थिक हो चुकी है। इसको ज़्यादा थिक नहीं करना है, लिक्विडी फॉर्म में ही होना चाहिए ये। तो इसको एक बार मैं अच्छे से ऐसे मिक्स कर रही हूँ। जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा वैसे हम इसमें ये रसगुल्ले जो है वो ऐड कर देंगे। उसको मैंने प्रेस कर दिया है, और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर मैं थोड़ा सा कम ही डाल रही हूँ क्योंकि मैंने जब रसगुल्ले बनाए तो उसमें भी मैंने इलायची पाउडर का इस्तेमाल किया था, इसीलिए। सिर्फ आपको पाउडर ही डालना है, इलायची के जो पॉट्स होते हैं वो नहीं डालना है। और इसके साइड्स को भी आप अच्छे से स्क्रेप करते हुए वापस इसी में मिला दीजिए, उससे ये और भी ज़्यादा जल्दी पक जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो ये देखिए मैं इसको कुछ ऐसे मिक्स करते हुए पका दूंगी। अब मेरा फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम पर ही है, और अब हम इसमें रसगुल्ले डाल देंगे। इसमें एक उबाल भी आ गया है और ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में भी है। थोड़ा सा हमें इसको लिक्विडी ही रखना है। लिक्विडी रखेंगे तो हमारे रसगुल्ले ये रसमलाई को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये देखिए इसके साइड्स को स्क्रेप करते हुए वापस इसी में ऐड कर दीजिएगा। और अब हम इसको 2-3 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर।
मैंने इसमें शक्कर इसीलिए नहीं डाली क्योंकि जो रसगुल्ले हैं वो उसमें मैंने ऑलरेडी शक्कर डाली भी थी तो वो ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए मैंने उसमें शक्कर ऐड नहीं की। और ये देखिए अब ये बनकर तैयार है, इसको ठंडा ठंडा सर्व कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसी लगी मुझे भी ज़रूर बताइए। मैंने आपको कहा था ना कि हम इसके ऊपर से भी नट्स डालेंगे, तो कोई भी नट्स आप इसको सजाइए इस तरह से और मुझे भी बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।